एग्जामिनेशन बुद्धा पर आप सभी का स्वागत है। आज सेल्फ स्टडी सीरीज में हम करेंगे टॉपिक नंबर 3। यह जो है थर्ड डे है, तीसरा दिन है और इसके साथ आपको तीसरा टॉपिक दिया जा रहा है। यह टॉपिक आपको 3 दिनों के अंदर करने होते हैं। अभी तक हमने इससे पहले 2 टॉपिक्स किए हैं। अब जो है आपको टॉपिक नंबर 3 दिया जा रहा है। यह टॉपिक्स लुसेंट, क्राउन और प्रतियोगिता दर्पण से लिए जा रहे हैं। प्रतियोगिता दर्पण हम दिसंबर मंथ का लेकर चल रहे हैं। तो चलिए इन टॉपिक्स को लेते हैं और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में जो है, इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल किया था, जिसमें नवपाषाण युग, पाषाण युग, इन सारी चीज़ों को देखा था। आज हम लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई भी एग्जामिनेशन हो। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने की थी। यह चैप्टर अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप जब इसको इस चैप्टर को देखते हैं तो आपको इसमें जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स हैं, चाहे वो लोथल हो, कालीबंगन हो, आपको उन सबको उनके नज़रिए से देखना होगा। लोथल, कालीबंगन जितने भी हैं साइट्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन साइट्स के साथ, इनके साइट के साथ जितने जुड़े फैक्ट्स हैं, उन सबको देखना होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ज्योग्राफी से हम करेंगे भारत की नदियाँ। इससे पहले हमने इंडिया का जो है फिजिकल नेचर देखा था, जिसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, इन सब के बारे में पढ़ा था। रिवर्स चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिहार स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो बिहार स्पेसिफिक भी नदियों को आपको पढ़ना होगा। भारत की नदियाँ जो हैं 2 तरह की होती हैं, यह आपको इसमें देखना होगा। और जैसे इसमें रिवर सिस्टम बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इंडस वैली रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। आपको इसके साथ साथ भारत के जितने भी नदियां हैं उनका उद्गम स्थल यानी सोर्स, और जो वो डिस्चार्ज कहाँ होती हैं, डिस्चार्ज से मतलब यहाँ पर यह है कि वह उनके जो गिरने का स्रोत क्या है, कहाँ पर गिरती हैं, या तो वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं या फिर अरेबियन सी में गिरती हैं। तो आपको इन नदियों को इस तरह से पढ़ना होगा। इन चैप्टर्स से आप बिल्कुल रख लीजिए कि आपको इससे प्रश्न तो रहता ही रहता है। अगला टॉपिक देखते हैं, इंडियन पॉलिटी में। इससे पहले हमने देखा था कि जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है, उसके मेंबर्स कौन कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में मेंबर्स कैसे चुने गए थे, इन सारी चीज़ों को आपको दिया गया था टॉपिक करने के लिए। अब देखेंगे हम सोर्सेस, कॉन्स्टिट्यूशन के जो है सोर्सेस कहाँ से हैं। सोर्सेस से मतलब यह है कि हमने, हमारा जो संविधान है वह एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, मतलब कि हमने बहुत सारे प्रोविजंस को वर्ल्ड के दूसरे संविधान से लिया है हमने, जैसे US से हमने कुछ लिया है, UK से कुछ लिया है। तो ये हमें इस सोर्स को पढ़ना होगा और यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे एक प्रश्न तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स में इससे पहले हमने किया था ग्रेविटी, आज आपको करना है, इससे पहले हमने किया था न्यूटन्स का लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आज आपको करना है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आप, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मून पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, पोल पर क्या होता है, अर्थ पर क्या होता है, और कौन कौन सी चीज़ों से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पर जो है अंतर आता है, डिफरेंस आता है। तो यह चैप्टर आप करेंगे और बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, फिजिक्स है। अभी आप देखिए, जैसे एग्जामिनेशन अभी 2-3 महीने तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं होने की, तो आप आराम से निश्चिंत होकर इन टॉपिक्स को कर सकते हैं। उसके बाद है केमिस्ट्री में, आपको करना है रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा, गामा। आपको जो है जितने भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इनके बारे में चैप्टर में आपको दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको करना है आपको अच्छे से और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इस चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, छोटा चैप्टर है लेकिन महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है करना है आपको जैव विकास, इसमें आपको डार्विन के थियरी के बारे में पढ़ना होगा। डार्विन की थियरी, डार्विनिज्म थियरी क्या होती है, लैमार्क ने क्या थियरी दिया था, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में दिखाई देंगे। चैप्टर महत्वपूर्ण है, इससे कभी कभार प्रश्न आता है, लेकिन अगर आप, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया है, 2-3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो समझिए कि इससे प्रश्न आता है तो आपसे यह प्रश्न गलत गलत नहीं होगा। अगला जो है टॉपिक
हम सेंसस में कर रहे थे पिछले बार, हमने किया था पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन के बारे में। आज हमें सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ना है। चाइल्ड सेक्स रेशियो जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिहार के एस्पेक्ट में भी इसके डेटा को देखना होगा। आप हालांकि बिहार के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में इनसे यह प्रश्न सीधा पूछा जाता है। सेक्स रेशियो में सबसे ज़्यादा पांच जो है राज्य कौन से हैं मैक्सिमम और कौन से न्यूनतम हैं, बिहार की अगर बात करें कौन सा जिला जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रहा है। उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जब आप इस चैप्टर को करें तो आपको यह इसमें कंपेयर करके पढ़ना होगा कि पिछले सेंसस में जो है, पिछले सेंसस का डेटा, अगर आप डेटा को कंपेयर करके आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि 2001 में सेक्स रेशियो क्या था इंडिया का और 2011 में क्या है। जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो आपको चीज़ें जो हैं याद रहती हैं और आसान लगती हैं, और प्रश्न में भी काफ़ी कई बार इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको कंपैरेटिव स्टडी ही करनी चाहिए। अगला टॉपिक देखते हैं, जीके में आपको एशियन गेम्स, अभी तक हमने ओलंपिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स किया है, आपको अब एशियन गेम्स करना है। पहला एशियन गेम्स जो है कहाँ हुआ था आप सबको पता होगा, पहला एशियन गेम्स जो है यह हुआ था न्यू दिल्ली में। कब हुआ था यह आपको ऐसे सारे फैक्ट्स में देखने होंगे। लास्ट एशियन गेम्स में भारत का कैसा परफॉर्मेंस रहा था, नेक्स्ट एशियन गेम्स कब होने वाला है, ये तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी। जीके का टॉपिक है और स्पोर्ट्स से यह काफ़ी अच्छा प्रश्न इससे बनता है। अगला टॉपिक की अगर बात करें हम तो बिहार स्पेशल में हम करेंगे आज बिहार में चित्रकला, और यह महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको इसमें पटना कलम के बारे में पढ़ना होगा, पटना कलम, चित्रकारी, मधुबनी पेंटिंग, ऐसी सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देती हैं। और यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इस आपने अगर इस प्रश्न इस चैप्टर को अच्छे से किया है तो मेंस में भी इससे आपको प्रश्न बिल्कुल बनते हैं। मेंस का प्रश्न उठा के देख लीजिए, आपको पटना मतलब बिहार में चित्रकला से तो काफ़ी सारे प्रश्न रहते हैं। मेंस के साथ साथ आप पीटी की भी इसकी अच्छी तैयारी कर लेंगे इस टॉपिक से, तो ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। हम जो यहाँ रेफरेंस बुक ले रहे हैं वो ले रहे हैं लुशेंट, अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उस बुक से करें, पर आपको ध्यान रहे टॉपिक जो है आपका यही होना चाहिए बिहार में चित्रकला। और जो आखिरी टॉपिक है आज के एपिसोड का वह है करेंट अफेयर्स, याद है दिसंबर 2019 का हम लेकर चल रहे हैं, और अभी तक हमने आपको करना जो है वो करना है नवीनतम सामान्य ज्ञान, आपको पेज 36 से 43 में मिलेगा। जिनके पास यह नहीं है वह ऑनलाइन पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके इसको करें, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नवीनतम सामान्य ज्ञान में आपको इसमें अवार्ड्स दिखाई देंगे, कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, कौन कौन से जो है अपॉइंटमेंट हुए हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेस कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देती हैं। तो महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप इसको करें, और इसके लिए जो है आपको 3 दिन का समय दिया जाता है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिनको पीडीएफ चाहिए वो एग्जामिनेशन बुद्धा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, याद रहे आपको 3 दिन के बाद इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट जो है वह मिलेगा। थैंक यू, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।